वैसे तो प्रेगनेंसी का 9वां महीना 33वें सप्ताह से लेकर 36वें सप्ताह तक यानी प्रेगनेंसी की आखिरी कुछ दिन, जिसके बाद आपका नन्ना मेहमान आपके हाथ में होता है और यकीनन ये महीना कई तरीके के भावनात्मक अनुभव लेकर आता है। साथ ही प्रेगनेंसी के इस आखिरी महीने में आपको और भी ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। वहीं 9वें महीने के दौरान कुछ महिलाएं तो अपने बच्चे के स्वागत की तैयारी में जुट जाती है, तो वहीं कुछ महिलाओं के मन में डिलीवरी को लेकर डर बना रहता है, खास तौर पर उन महिलाओं के मन में जिनकी पहली बार डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला खुद से ज्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचती है। कई बार छोटी छोटी गलतियां बच्चे के लिए बड़ा नुकसान बन जाती है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं और गर्भ का 9वां महीना चल रहा है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी के बारे में अच्छे से बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। तो मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में। शुरू करते हैं अपनी इस नई वीडियो को। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको खान पान को लेकर काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस समय आपको हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, ओट्स, दालें, ये सब खाना चाहिए, क्योंकि इनमें काफी मात्रा में फाइबर होता है जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद है। वहीं इसमें आप आयरन से भरपूर चीजें जैसे कि पालक, सेब, ब्रोकली, खजूर, ऐसी चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अगर आप मांसाहारी हैं तो आप चिकन और मीट भी खा सकते हैं। वहीं प्रेगनेंसी में कैल्शियम से भरपूर भोजन खाना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप डेयरी प्रोडक्ट और दही का सेवन कर सकते हैं और शरीर में आयरन को सोख करने के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी और टमाटर जैसी चीजों का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। और आपको प्रेगनेंसी के दौरान फॉलेट से भरी चीजें खाना बेहद जरूरी है, क्योंकि फॉलेट की कमी से शिशु के रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियों और बीन्स का सेवन करना चाहिए। वही ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि आपको प्रेगनेंसी में कॉफी, चाय और चॉकलेट जैसी चीजों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनमें कैफीन होता है जो कि बेबी के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपको चाय या कॉफी की लत है तो आप 1 या 2 कप चाय या फिर कॉफी पी सकती हैं। इसके लिए भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और आपको सॉफ्ट चीज जैसे कि आइसक्रीम, कुल्फी में इस्तेमाल किया जाता है, दूध ऐसे में खतरनाक होता है, इसलिए ऐसे प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान जंक फूड या बाहर का कोई भी फूड खाने से बचे। ये चीजें आपके पाचन तंत्र को खराब करती हैं और इनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते। इसके अलावा आप चाहें तो स्विमिंग पूल में जाकर कुछ देर रिलैक्स कर सकती हैं। इससे आपका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होता है और आपको तनाव से भी राहत मिलती है। लेकिन ध्यान रहे कि पानी ज्यादा गर्म ना हो और अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं और आने वाले मेहमान के बारे में कुछ अच्छी और दिलचस्प बातें करें। वहीं प्रसव के लिए अस्पताल जाने के लिए जरूरी सामान का बैग तैयार कर लें, ताकि आपको डिलीवरी का पेन शुरू होते ही आप बैग उठाकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच सकें, क्योंकि अब नन्हे मेहमान के आने में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए कुछ समय अपने लिए निकालें, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो आप बच्चे की देखभाल में ही लग जाएंगी और हो सकता है कि अपने लिए आपको कम टाइम मिले। इसलिए अगर डॉक्टर बाहर जाने की सलाह देते हैं तो अपने दोस्तों से मिलें, फिल्म देखें या फिर कुछ शॉपिंग करें, इससे आपको अच्छा फील होगा। इसके अलावा आप इस दौरान बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। हम जानते हैं कि ये समय बहुत कठिन होता है, क्योंकि डिलीवरी को लेकर मन में थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन आप उस समय के बारे में सोचें जब आपका नन्ना मेहमान आपके सीने से लगा होगा। 9वें महीने में जितना हो सके आराम करें, घर के कामों में खुद को ज्यादा ना उलझाएं। इस अवस्था में आप बिल्कुल भी पेट के बल नीचे की ओर नहीं झुकें और भारी सामान तो बिल्कुल नहीं उठाना है, ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना है, इससे आपको थकान हो सकती है और इसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ सकता है। पीठ के बल कभी नहीं सोएं, ऐसा करने से यूट्रस का भार रीढ़ की हड्डी पर पड़ेगा, इससे आपको बैक में पेन हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जितना हो सके उतना आराम करें ताकि आपका बच्चा हेल्दी पैदा हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास भी सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछें, हम वीडियो लाइव होने के 1 घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।